खबर गाजीपुर से, जहां सीएम योगी ने जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। इसके बाद सीएम योगी ने मोहम्मदाबाद अश शहीद इंटर कॉलेज में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। राहत वितरण कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि यूपी में औसत से भी कम बारिश हुई है। यह बाढ़ की आपदा राजस्थान और मध्य प्रदेश से बांधों से छोड़े गए पानी के चलते हुई है। किसान सूखे और बाढ़ के दोहरी मार से परेशान है। ऐसे संकट की घड़ी में भाजपा सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने सभी भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सभी लोग बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए जुट जाएं। उन्होंने कहा कि गाजीपुर के 33 गांव सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित हैं। अधिकारी युद्ध स्तर पर बाढ़ क्षेत्रों में राहत सामग्री बांटे और पीड़ितों की मदद करें। सूखे की चर्चा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि किसान भाइयों के लिए अभी भी दलहन और तिलहन फसल उगाने का समय है। सभी किसानों को तिलहन और दलहन के उन्नतशील बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से उतरने पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, एमएलसी चंचल सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, महामंत्री प्रवीण सिंह, ब्लॉक प्रमुख अवधेश राय, कमिश्नर वाराणसी और डीएम व एसपी गाजीपुर ने उनका स्वागत किया। संकट के समय में पूरी सरकार और प्रशासन आपके साथ खड़ी है, यह आश्वस्त करने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर स्वयं उपस्थित हुआ हूं। मैंने जनपद गाजीपुर के सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और दौरा करने के उपरांत अब मैं इस राहत शिविर में यहां पर आया हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो वैसे बारिश बहुत कम हुई है, एवरेज से भी कम हुई है, लेकिन यहां पर जो भी ये समस्या खड़ी हुई है यह राजस्थान और मध्य प्रदेश से अतिरिक्त जल छोड़ने के कारण पैदा हुई है। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में बहुत तेज बारिश हुई और पिछले सप्ताह वहां पर जब तेज बारिश होती है तो अकेले राजस्थान से 26 लाख क्यूसिक जल छोड़ने और ऐसे ही मध्य प्रदेश से भी 4 लाख क्यूसिक से अधिक जल छोड़ने के कारण चंबल नदी, बेतवा नदी और अन्य सहायक नदियों में जलस्तर काफी बढ़ गया था, जिसके कारण यमुना जी में फिर गंगा जी में ये भीषण जल प्लावन की समस्या खड़ी हुई। यद्यपि यह विगत वर्ष से कम है, वर्षा के कारण पीड़ित किसान के लिए अचानक इस पानी के आने के कारण जल प्लावन की स्थिति कुछ क्षेत्रों में भी है और प्रदेश के अंदर लगभग 1100 गांव इससे प्रभावित हुए हैं। अकेले गाजीपुर जनपद की जब मैं बात करता हूं तो इस जनपद में 33 गांव इससे प्रभावित हुए हैं, जिसमें 7000 से अधिक परिवार बाढ़ से प्रभावित हैं, जिन्हें अलग अलग राहत कैंपों में या गांवों में उनके घरों तक ही राशन पहुंचा करके भोजन सामग्री उपलब्ध करा करके प्रशासन सहायता के कार्यों को आगे बढ़ा रहा है। बाढ़ प्रभावित उन क्षेत्रों में कल हमारे मंत्रीगण इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर का दौरा करने, प्रयागराज का दौरा के बाद आज मैं स्वयं वाराणसी, गाजीपुर और चंदौली के दौरे पर आया हूं। हम सब ने जो व्यवस्था की है, खासतौर पर एक तो प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था की है और अकेले जनपद गाजीपुर में 288 नौकाओं की व्यवस्था जिला प्रशासन ने की है। एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट को भी यहां पे लगाया गया है। 31 गोताखोर और 178 आपदा मित्र भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनता जनार्दन की सेवा के लिए तैनात किए गए हैं।
5000 से अधिक पशुधन भी इससे प्रभावित हुआ है। उन्हें विभिन्न राहत शिविरों में भूसा आदि देने की कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा इन सभी क्षेत्रों में एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज के वैक्सीन भी पर्याप्त मात्रा में जनपदों में उपलब्ध करवाए गए हैं। सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों को ये 15 तेल है, नमक है, मसाले हैं, मोमबत्ती है, देश लाई है, आलू है और लाई चना भी है। ये 15 दिन का पैकेट किट के रूप में प्रत्येक प्रभावित परिवार को उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये आपदा है, आपदा के संकट के समय सरकार आप सबके साथ में खड़ी है और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार बाढ़ से बचाव के लिए जनता जनार्दन के साथ खड़ी होकर के युद्ध स्तर पर जितनी भी सहायता हो पाएगी हर स्तर पर सरकार उसकी सहायता करेगी। साथ ही साथ हमने ये भी व्यवस्था की है कि सूखे के कारण किसानों को जो नुकसान हो रहा है, हमारा प्रयास है कि अभी दलहन तिलहन आदि बोने का समय है, सब्जी आदि के बीज ये हम सभी लघु सीमांत और अन्य प्रभावित किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। रिपोर्ट श्याम भवन चौहान, CN न्यूज गाजीपुर। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।